फाइनली उस प्रिया और अक्षय के सामने मुझे प्यार की एक्टिंग नहीं करनी पड़ेगी, पसंद करने की एक्टिंग नहीं करनी पड़ेगी। थक गई थी मैं। छुटकारा मिल जाएगा उस सूद परिवार से। और वीरेंद्र, वीरेंद्र के कातिलों को भी सजा मिल जाएगी। हम फिर से एक फैमिली की तरह साथ में होंगे, हम सब साथ में होंगे, राम हमारे साथ होगा। तुम जानते हो ना वीरेंद्र, हमें राम की जरूरत है। शिवी, शुभु, मुझे, हम सबको राम की जरूरत है। माँ। राम तुम आ गए, हम कब से तुम्हारा वेट कर रहे हैं। शिवी कहाँ है? शिवी तो आने वाली थी ना तुम्हारे साथ। जी माँ, शिवी आई है, हम सबको अलविदा कहने, हमेशा के लिए। आप चाहे तो किसी को फोन कॉल कर सकते हैं, एक कॉल करना अलाउड है आपका, ठीक है? हेलो सारा दी, रिया, रिया ये सब क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ईशान ठीक है? उसे तो पैनिक अटैक आ गया था जब विक्रांत ने आके बताया कि रिया, क्या सच में शिवी, रिया तू ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। पर प्रिया, पुलिस ने तुझे अरेस्ट क्यों किया? विक्रांत तो बता रहा था कि ये सब गलती से हुआ। गलती से हुआ है। और गलती मेरी है सारा थी। मेरी गलती है। आप प्लीज मेरी ईशान से बात करवा सकती हैं क्या एक मिनट? प्रिया, उसे तो ऐसे पैनिक अटैक आया था कि वो किसी से कुछ नहीं बोल पाया, बस बेहोश हो गया। डॉक्टर को कॉल किया है, वो आ रहे, इसलिए तो वो पुलिस स्टेशन नहीं आ पाए। जैसे ही डॉक्टर आते ना, मैं सीधा तेरे पास पुलिस स्टेशन आ जाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, आप घर पर रहो, ईशान का ख्याल रखो। बस एक काम करना, क्रिश को भेज दो यहाँ पर। हाँ हाँ, मैं अभी क्रिश को कॉल करती हूँ। तो फिकर मत कर। सारा दी एक और काम कर सकते हो क्या? पता लगा सकते हो कि मिस्टर कपूर कैसे ठीक है? वो मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा है कि ये सब कुछ कैसे हो गया, क्या हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बुरा सपना चल रहा हो। डोंट वरी प्रिया, हम सब सॉर्ट कर लेंगे, ठीक है? आपको सच में लगता है कि सब ठीक हो जाएगा? क्योंकि मुझे अब कोई उम्मीद नहीं है। प्रिया, उम्मीद भी रखनी होगी और हौसला भी। और मैं हूं ना तेरे साथ, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। राम से, उसकी फैमिली से जिससे भी मांगनी होगी ना, मैं मांगूंगी। मुझसे जो हो सकेगा मैं करूंगी, क्योंकि कसूर तो तेरा है ही नहीं। कसूर तो उस वरुण का है, इसीलिए सजा भी वही भुगतेगा और फांसी भी उसे होगी। सारा दी, गलती मेरी है तो सजा मुझे मिलनी ही चाहिए। और मुझे सजा मिलेगी। आप प्लीज, जैसे ईशान को होश आएगा ना, सबसे पहले आप उससे मेरी बात करवाएंगी। और कोई उससे बात नहीं करेगा, बस मैं उससे सबसे पहले बात करूंगी, ओके? हाँ प्रिया, हाँ ठीक है, लेकिन क्यों? क्या क्या? तुझे देखकर ऐसा लग रहा है कि तू खुश नहीं है कि शिवी वापस घर आ रही है। उस खूनी खानदान से पीछा छूट गया उसका बेटा जी। भैया प्लीज, ऐसी बातें आप मत कीजिए, ओके? मैं मानती हूँ कि उस खानदान में थोड़े लोग क्रिमिनल्स हैं, लेकिन प्रिया नहीं है। प्रिया ने किसी का खून नहीं किया, समझे आप? राम क्या हुआ? राम क्या हुआ? राम तुम मुझे डरा रहे हो? तुम ठीक तो हो राम? हाँ, तुम्हारे साथ कुछ एक्सीडेंट हुआ? कुछ हुआ तुम्हारे साथ? क्या हुआ? तुम ठीक हो? नहीं 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 नहीं, तुम रोओगे नहीं। तुमने ही मुझे प्रॉमिस किया था ना कि डैड की एनिवर्सरी के दिन तुम नहीं रोओगे। तुमने रूल बनाया था, हाँ? तो तुम कैसे रो सकते हो, हाँ? उत्तर जी कुछ तो बोल। भाई क्या? राम, शिवी नहीं आ रही है, उसने मना कर दिया राम आने से यहाँ। क्या हुआ? घर लौटना नहीं चाहती? शिवी कहाँ है? हमेशा के लिए हमें छोड़ के चली गई। रबेश, बकवास कर रहे हो तुम? बोलो, मेरी बात मानोगे ना? प्रिया बोलो,
मानोगे? अच्छा ठीक है, मैं मानूंगी अगर तू भी मेरी बात मानेगी तो। बस एक बार रॉय से मिल लेना, बात कर लेते उससे, हो सकता है तुझे इनसेंट प्रूव करके वो यहाँ से निकाल ले तुझे। प्रिया प्लीज प्लीज। नहीं दी, मैं ये रिस्क नहीं ले सकती, क्योंकि अगर इन्वेस्टिगेशन हुई और 1% के लिए भी शिवीना के कपड़ों पर ईशान के फिंगरप्रिंट्स मिले तो लोग उसे एक कातिल बाप का कातिल बेटा कहकर बुलाएंगे। नहीं दी, कोई लॉयर नहीं आएगा। हाँ, और हम इस बारे में दोबारा कोई बात नहीं करेंगे, प्लीज प्लीज। या हमें मेडिकल चेकअप के लिए चलना होगा। प्रिया, ये क्या कर रही हो तुम? नहीं, मुझसे झूठ तो बोलना मत तुम प्रिया। तुम्हें सब पता था ना, एक्सीडेंटल डेथ में 2 साल की सजा होगी, तुमने पता लगा लिया था ना पहले से ना? और क्यों, क्या बात करनी है तुम्हें ईशान से अकेले में जो तुम सबके सामने नहीं कर सकती? अब प्लीज मुझे ये मत कहना कि वो बच्चा है, नादान है, मासूम है। प्लीज, आई एम नॉट सारा प्रिया, मुझसे सच छुपता नहीं है। और तुम्हारे बिहेवियर को देखकर तो ऐसा लगता है कि शिवी को धक्का लगा नहीं है, उसे धक्का दिया है ईशान। तुम क्या बोल रहे हो, प्लीज धीरे बोलो। ओ, तो मेरा शक बिल्कुल सही था प्रिया, तुम किसी और की सजा भुगत रही हो ना। तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? तुम्हारा एक्सपीरियंस देखने के बाद तो मैं शायद कभी प्यार करता ही नहीं प्रिया। मुझे भी नहीं करना चाहिए था, है ना? यू नो, काश मैं तुम्हें कभी कॉलेज में कह पाता कि तुम मुझे कितनी इंटरेस्टिंग लगती थी, तो तुम शायद मिस्टर कपूर से मिलती नहीं। बट एनीवे, व्हाट हैज टू हैपन हैज टू हैपन, एंड आई एम सॉरी प्रिया, मैंने राम के सामने वो इन्वेस्टिगेशन वाली बात रखी जो मुझे नहीं रखनी चाहिए थी। इट्स ओके, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी किस्मत की है। यहाँ पे किसी भी चीज की हैप्पी एंडिंग नहीं लिखी है। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा प्रिया, सब कुछ बदल जाएगा। मैं आ गया हूँ ना, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं मिस्टर कपूर से बात करके देखता हूँ, हो सकता है वो अपना इरादा बदल दे। नहीं बदलेंगे, वो उन लोगों में से है जो एक बार फैसला ले लेते हैं ना तो किसी की नहीं सुनते। अब तो कोई चमत्कार ही। प्रिया, प्रिया, यू ओके? प्रिया, 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 कोई है क्या? देखिए क्या हुआ, प्लीज कॉल कीजिए एम्बुलेंस को, बुलाइए। ताला खोलो। प्रिया। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।